तालक नाजरीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड से फ़िक्र तक आज का हमारा मौजू है इस्लामिक स्टेट एंड द शरिया लॉ और इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं मुफ्ती आसिम साहब तालकम और उनके साथ हैं साकिब ख़ान साहब बर हकीकत इस्लामिक स्टेट क्या है इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस्लामिक स्टेट का um, मुफ्ती आसिम आपसे बसमी अपनी नोयत के हवाले से ये बहुत एक हसास मौजू है और जिस कदर हसास है उसी क़दर इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है कि इस मौजू पर हम डिस्कस करें कि आखिर हम उमूमा देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो इतनी जानें इस बनने में गई तो आखिर क्या वो जज्बा था या क्या वो मकसद था वो क्या मंजिल थी जिसके हसूल के लिए इतने लोगों ने फिर जो है वो खून बहाया नबी क़रीम सलाम ने भी देखिए इसी तरह हिजरत की मक्तुलमक्रमा से मदीनातलमनवरा की तरफ़ उसमें बुनियादी चीज़ यही थी क्योंकि वहाँ पर खुफियतन इबादत तो कर रहे थे अब जो मामला ये था फिर ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों ने इबादत करना शुरू की तो असल में जो हजरत के लिए जिस तहरीक ने उभारा और जो अल्लाह तबारक व ताली ने अपने नबी को हजरत का हुक्म दिया उसमें बुनियादी तौर पर ये था कि मदीनातुलमनवरा में एक ऐसी स्टेट कायम की जाए कि जो इस वक्त जबर और बरबरीत इस एक पूरे को घेरे हुए है उसके खिलाफ एक एलान जंग हो के खिलाफ होलान जंग हर तरह से हो सकता है जैसे वो एक सिंबॉलिक के भी आप जैसे भी है तो हुजूर हजूर सलाम का जो एलान जंग था वो जुल्म के ख़िलाफ़ था चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो और वो ये एक वाज हकीकत है कोई ढकी चुकी बात अच्छा इसमें हम ये देखें कि मदनी जो माशरा था वो फ़र्स्ट एवर इस्लामिक स्टेट था और उसमें हम जब तो देखते हैं हज़ुर पाक सल्ला वम्म ने उसकी जो फ़ाउंडेशन ले डाउन की तो उसकी जो बुनियाद थी वो मवा का एक मामला था भाईचारे का था यानी वो पहला स्टेप था जिसमें देखिए नबी गरीम सलील्ला वल्म के बारे में कुरान पाक के वाजे वहाँ पर हिदायत मौजूद हैं कि आप बेहतरीन नमूना है हमारे लाइफ के लिए हमारी क्यामत तक के आने वाले लोगों के लिए अब किसी भी इस्लामिक स्टेट की फाउंडेशन जो हमें गाइडेंस मिली हुजूर पाक से वो मौका और भाईचारा महाजरीन जो थे वो बिल्कुल बेयर हैंड आए थे और देखें अंसार वो भी इतने रिश्ते नहीं थे लेकिन एक मोहब्बत का रिश्ता जो आपने पैदा किया उससे कितने मसाइल हल हो गए पहली बात तो उन लोगों को रहाइश मिल गई

ये से एक, एक, एक हाँ। तौर पे बाज लोगों ने लिखा भी है कि हाँ। पाकिस्तान और मदीना तयबा हाँ। इन दोनों को अगर मीनिंग के हिसाब से भी देखें हाँ। तो ये दोनों तो के ये दोनों एक ड्रीम था हमारे बुजुर्गों का एक खाब था जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह से पूरा नहीं हुआ नहीं। क्योंकि अब जब हम बात करते हैं एक एक ख़ास जो है नज़रिया है जी जी। जो हमारे नेबर्स में कह लें कि भाई है जो कह रहे हैं कि जी हम हम एक इस्लामिक स्टेट फॉर्म करें हमारे एक अमीर उमोमिन हैं और हम चाहते हैं कि इवेंचुअली जो है पाकिस्तान पे भी वही किस्म के एक शरिया निज़ाम और एक उन्हीं के अमीराम या उनके कोई सबॉर्डनेट हों हो, तो उस विजन में जो ये नया एक हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है जी जी उस इस्लामी निज़ाम में और जो हमारे बुजुर्गों ने जिसके लिए सेक्रीफाइस किया था जिस ड्रीम जिस विज़न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का था उसमें क्या डिफरेंसेस हैं देखिए एक चीज़ है हम इसको देखिए अगर फ़िक्र इकबाल जो है वो आगे बढ़ी तो वो मुस्लिम लीग और वो क़ाइब अजम और वो सन सैंतालीस और आज पा पोलिटिकल मूवमेंट को इंस्पायर किया उसमें देखिए जो बुनियादी फिक्री चीज़ है वो मिली है अलामा इकबाल रहम से आपने फरमाया है कि जलाल बादशाही हो या के जमहूरीत का तमाशा हो जुदाह सियासत से तो रह जाती है चंगेजी कि चाहे बादशाही है चाहे जमहूरीत है इसको अगर हम दीन से जुदा कर देते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक चंगेज़ी खेल रह जाता है लेकिन हमारा दीन जब इस निज़ाम सियासत में दाखिल होता है या सियासत निज़ाम दीन में दाखिल होती है तो फिर उसके समरात इस तरह से निकलते हैं ताला कि हज़रत उमर फ़ारूक ऱी अल्ला त अगर हम दौर को देखें तो लोग अपना माल ज़क़़़़़त ले निकलते हैं कि हमें कोई ज़कू़़त का मस्तक नज़र आ जाए तो उन्हें कोई इतना गरीब नज़र नहीं आता कि उसको ज़क़ात दी जाए इतनी खुशहाली आती है नहीं, वापस बैक में मैं जाना चाहूँगा मदनी जो हमारा माशरा था क्योंकि रजूर पाक वसल्लम के दौर में देखें तो उसका जो बुनियादी ऐसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वक्त ओ बरबरीत में पिसे हुए लोग मुसलमान थे जो आज़ादी की ख्वाहिश करते थे ड्रीम करते थे तो एक मुकम्मल एक आज़ाद रियासत थी जिसमें हर मुसलमान आजादी के साथ जो है ना अपने मुसलमान बल्कि और और मजहब के लोग दूसरी बात अभी देखें यही बात मैं आना चाहूंगा हाँ, आप देखें पहले साल जहाँ मवाकात का मामला हुआ वहाँ पे यहूदियों के साथ एक माहिदा भी किया गया और जिसकी जो एक बहुत वाजिश ये थी कि आपको अपने रिलीजन के प्रैक्टिस करने की पूरी लिबर्टी हाँ। मॉडल है, है, हाँ। के, तो स्टेट 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 के देखें तो उसमें प्रोटेक्शन गारंटी कर रहे हैं और कोई इंक्रोचमेंट किसी तरह से नहीं हो रही फिर इसमें एक और एलिमेंट ये देखें कि जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम की हाकमियत जो है ना वो एक क्लियर हो जाए और आ, इस्लामिक स्टेट में दीन इस्लाम का नफाज हो इन प्रैक्टिकल फॉर्म उसके लिए पूरी जद्दोजहद की गई अगर उसको रोकने के लिए कुरैश के उस वक्त मौजूद थे जो बार 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 अटैक करते थे तो उसके लिए जो रोकने के लिए भी जिहाद भी हुआ फिर हम देखते हैं कि उसमें में माहे भी हुए फिर उसके बाद यहूदी में माहे भी हो रहा है इस माशरे का जो बुनियाद डाली गई थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो फतेह मक् तक बिल्कुल यूनाइट रही चाहे बदर के कम अफरादों या हुनैन के मामले में तबूक में तो तीस हज़ार मुसलमान शामिल हो गए थे उन तमाम की जो सक्सेस रेट थी वो उन बेसिक से फाउंडेशन से नहीं हटे अगर कोई इस्लामिक रियासत अपनी इन बुनियादों से हट जाएगी और फिर वो सियासी एलिमेंट्स को उसको शामिल कर लेते हैं तो फिर हमें वो सक्सेस जैसा जो ज़्यादातर अभी हाँ, हम हिस्ट्री में देखते हैं होता हुआ हाँ, आया है इसी पे एक ब्रेक लेते हैं तो फर्दर इसको और डिस्कस करेंगे डू स्टे विद अस